क्यों भाई, बवासीर होगा? ऐसा मुंह क्यों कर रखा है? कल मकर संक्रांति है और मेरे पास एक भी पतंग नहीं है। मुझे पतंग उड़ानी है। बस इतनी बात। चल मैं तुझे एक नई चीज़ बनाना सिखाता हूँ, आप भी चलिए। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर बैठकर देखेंगे कि किसकी पतंग कट कर आ रही है, और जो भी पतंग हमें दिखी कि ये कट गई, उसी तरफ इस तरह से दौड़ के पकड़ने भागेंगे। आजा पतंग आजा। पतंग ही नहीं आ रही है कोई, सब पतंग बाजू में से जा रही है। साली को यहाँ पर से क्यों नहीं जाती? उधर किधर है? अरे वो उड़ रही है अभी वो। तो दोस्तों, पतंग तो नहीं मिली, पर एक आइडिया जरूर आ गया। दोस्तों मुझे आइडिया है कि हम बनाएंगे एक बॉक्स वाली पतंग, जो पूरी एक 3D बॉक्स की तरह हम बनाएंगे, और इसे बनाएंगे हम पेपर की मदद से, और उसकी फ्रेम बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल का। और फाइबर ऑप्टिक केबल कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको बता दूँगा, चलो मेरे साथ। तो दोस्तों, आपको फाइबर ऑप्टिक केबल वो जो टावर दिख रहा है उसमें से मिल जाएगा। जा तू लेके आ बे, सबसे बैठा मेरा मुंह तार रहा है, जा ले गया पक्का। अगर कोई मारने आया ना तो मैं तेरा ही नाम लूंगा। दोस्तों आज बनाएंगे हम बॉक्स काइट, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने इसकी फ्रेम को बनाने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल में से 25 सेंटीमीटर के पीस को कट करके उसे इस तरह से क्रॉस में लगा दिया है, और इस तरह के दो पीस मैंने कट करके बना दिए। मैंने इसका वीडियो बनाया था बट मेरे हाथ में फेविक्विक लगी थी तो वीडियो स्टार्ट ही नहीं हुआ। और दोस्तों दूसरे 50 सेंटीमीटर के 4 पीस मैंने कट कर लिए है इसकी फ्रेम बनाने के लिए। अब हम इसकी फ्रेम बनाना शुरू करते हैं। हमने जो बड़ा वाला पीस लिया था उसके साथ हम इस क्रॉस वाले पीस को लगा देंगे, और इसे लगाने के लिए भी मैं यूज कर रहा हूँ धागे का। दोस्तों धागे का मैं यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइट वेट होता है और इसे मजबूती से भी हम चिपका सकते हैं, और वो कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और आप ज्यादा बोर ना हो इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ यहाँ पर से। तब तक अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और पतंग उड़ाने में तो सारा दिन ही निकल गया है। लाइक कर दो। दोस्तों इस वायर के ठीक सामने हम दूसरा वाला जो हमने एक्स वाला पीस नहीं ये नहीं ये वाला पीस हम दूसरी साइड में लगा देंगे, और उसे भी मैं फटाफट लगा देता हूँ। वैसे तो आप बोर ही हो रहेंगे, कोई बात नहीं देखते रहो। मैंने दोनों पीस को अच्छे से धागे से लगा दिया है। अब हम एक्स्ट्रा धागे को तोड़ देंगे, और मैं डोरेमोन के पास एक गैजेट लेकर आया हूँ, सुपर ग्लू। हमने जहाँ पर भी धागा लपेटा था उन सभी जगह पर हम इस सुपर ग्लू को लगाएंगे। इससे पहले हम इन सभी पीस को एडजस्ट कर देंगे। आपको तो पता ही होगा कि सुपर ग्लू लगाने से धागा बहुत आड़ हो जाता है, इसलिए एमी वे वंटाई ने रैप सॉन्ग बनाया था, बहुत आड़ धागा लगा के बना दो सब कुछ, बहुत आड़। मेरा जोक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह से हम सभी कॉर्नर पर एक एक पीस लगा देंगे इस 50 सेंटीमीटर फाइबर ऑप्टिक केबल का। और मैं सबसे पहले आमने सामने वाले पीस बनाऊंगा जिससे हमारी फ्रेम मुड़े नहीं और एक जगह पर टिकी रहे। यहाँ पर भी हम दोस्तों सुपर ग्लू लगा देंगे जिससे ये एक जगह पर फिक्स हो जाए। और अगर आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं है तो आप पुरानी पतंग में से लकड़ी निकाल कर इसे बना सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप इसे बॉक्स की तरह ही बनाएं, आप चाहे तो इसे सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। अभी के लिए मैं बॉक्स वाली पतंग बना रहा हूँ, तो सभी कॉर्नर्स पर मैं 50 सेंटीमीटर वाला पीस इसी तरह से लगा दूंगा, और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप अभी जितने बोर रहे उससे ज्यादा बोर ना हो, इसलिए मैं वीडियो को और भी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी काइट की फ्रेम तैयार है, और ये बहुत मजबूत और लाइट वेट बनी है। अब हम इसके ऊपर पेपर कवर करेंगे।
तो हम इसके एक ही कॉर्नर पे धागा बांधेंगे और ये पवन की वजह से अभी ही उड़े जा रही है। सब्र करो थोड़ा। सोचा नहीं था कि ये पतंग इतनी अच्छे से उड़ जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा देना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी क्रिएटिव, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। अब मजा आएगा ना वीडियो। या तो बेल आइकन को क्या था ये अगर मगर किंतु परंतु। टिल देन बी क्रिएटिव। एलियन का भी सिग्नल आया। देख। When I wake up I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup.